ऐसा है, पहले राउंड में जो काम आए थे उसमें कुछ सभासदों के काम छूट गए थे, कुछ के हो गए थे, क्योंकि 70 पार्षद हैं। हो सकता है इतना पैसा नहीं आया हो या बड़े बड़े टेंडर उठ गए हों, मगर इस बार में कोई पार्षद ऐसा नहीं है जिसके काम नहीं आए होंगे। अब किसी ने गुस्सा है किसी बात पे, मैंने तो मनाने की भी कोशिश की है, ऐसी बात उन्हें सदन में नहीं कहनी चाहिए। देखो, हम आप चुने हुए व्यक्ति हैं, समाज में हमारी आपकी कुछ इज्जत है, हम ऐसे बातें करेंगे कि हम आत्महत्या कर लेंगे? अरे जब हम 70 पार्षद इकट्ठे हैं, कैसे नहीं होगा किसी का काम? सबके काम होंगे और सबके काम हो भी रहे हैं। जिसके नहीं हो पाए उनके लिए मैंने कहा भी है, और मैंने मेयर साहब से भी कही है, मैंने कि सबको एक समान समझते हुए जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के आज तीसरी बार जीतने जा रहे हैं, तो उसी प्रकार हमारे मेयर को भी सोचना चाहिए कि भाई हमको भी भेदभाव बुला करके, कोई भेदभाव किसी के साथ मत रखिए। देखो साहब, ये तो बातें चलती रहेंगी, अब इनमें किसी की कोई जवान थोड़ी पकड़ी जाती है। तो गोयल रेस्टोरेंट से खाने को लेकर विवाद हुआ पिछले भी बार? नहीं, विवाद नहीं हुआ है उसमें, नहीं उसमें बात ये है कि हम लोग सब खाना पीना खा के तो आते ही है। अब उस डिब्बे पकड़ा दिए जाए, हम लटका के ले जाए, तो कितनी शर्म की बात है। इसलिए पिछले बोर्ड बैठक में मना करी गई थी कि कोई खाना नहीं आएगा न कोई ले जाएगा, मगर भूल बस आ गया है तो भैया तो वापस हो जाएगा, या कर्मचारी वगैरह उनमें वितरण हो जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कोई बात नहीं है, बड़े अच्छी तरीके से पूरा वोट चल रहा है और सबके काम होंगे, और जिनके नहीं होंगे उनके मैं करवाऊंगा। आज जो सदन की मीटिंग रखी गई थी, क्या क्या प्रस्ताव आए हैं, उसमें कितने का निदान हो सका है? आज कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है जीवाराम हॉल में, हमारे साथ नवनियुक्त महोदय उपसभापति महोदय और हमारी कार्यकारिणी के सभी पार्षदगण उपस्थित रहे, सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे, और सभी पार्षदगणों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा गया है, सभी अधिकारियों ने मेरे निर्देशानुसार नोट किया है, उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा, और सभी पार्षदगणों ने मेरा सहयोग किया, इसके लिए मैं सभी पार्षदगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड नंबर 22 में एक पार्षद रहे हैं, हमारे वार्ड नंबर 22 के जो पार्षद थे, उनका कहना था कि उनका जो पहले 15 वित्त की बैठक थी उसमें कोई कार्य नहीं लिया गया है, लेकिन हमारी जो सेकंड वाली बैठक हुई उसमें उनके 4 काम आए हैं, उन पे जल्द ही काम लगाया जाएगा। एक्चुअली अभी उनके वार्ड में 4 काम ले लिए गए हैं और जल्द से जल्द सबके वर्क ऑर्डर भी होने वाले हैं। उनका कहना ये है कि भाई थोड़ा तेजी से काम चालू किया जाए, तो उसको हम लोग इंश्योर करवा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी, क्योंकि अभी हमने टोटल 84 टेंडर्स अवार्ड किए थे जिसमें से अराउंड 70 के वर्क ऑर्डर हम लोग ने कर दिए। 4 फाइलें जो हैं वो टेक्निकल, मतलब 14 फाइलें जो टेक्निकल रीजन से रुकी हुई थी, वो भी अब सब ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है, जिसमें EMD और बाकी चीज़ें नहीं थी तो वो सब लोग लगवा दी गई, और आज से कल में हम लोग 100% टेंडर। मीटिंग के दौरान प्रकाश विभाग की सीधे तौर पर लापरवाही देखी गई, चाहे वो लाइट चलने की बात हो या खराब की बात हो? देखिए, इसमें जो ESL कंपनी है उसके स्तर से काम किया जाता है, और उनके जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, और उस पर हम लोग ने शासन स्तर पे भी अवगत कराया कि कई सारे इश्यूज हैं यहाँ पे, उनके स्तर पे इतनी कार्रवाई नहीं की, मतलब जो उचित कार्रवाई वो नहीं की जा रही है, उसके लिए हमने नोटिस भी उनको इशू किया है और उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। टेंडर मैनेजमेंट को लेकर दृष्टिपथ पार्षद ने कहा कि 5% का फ्लो का जो देखिए, एक्चुअली कई टेंडर्स जो हैं वो 1% 2% पे आते, तो हम लोग ने प्रचलन किया क्या है कि उसको और ज्यादा नेगोशिएट किया जाए, ताकि नगर निगम का जो धन है उसको बचाया जा सके, तो उस पे हम लोग नेगोशिएट करते हैं। 10% 15% देखिए अभी भी 5% पर फिक्स हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, जो कम आते हैं जो खासकर यही क्या, तो उस पे हम लोग नेगोशिएट करते हैं। देखिए उस पे हम लोग नेगोशिएट कराते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है, पूरा ई टेंडरिंग है, कोई भी टेंडर डाल सकता है। इसकी हम लोग ने शुरुआत में जांच भी कराई थी, जांच कमेटी मेरे, मैंने जांच कटित की थी, उसमें सारे जितने भी लोग हैं सबसे वो किया गया था, उस पे
भी जांच कराई जा चुकी है पूर्व में, और इस तरह का कोई इशू होगा तो दोबारा जांच कराने का सवाल उपसभापति जी के कार्यालय को लेकर, नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय को लेकर लगातार बात रही, थाने को लेकर विवाद पैदा हुआ, क्या मसला है? इसको हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं और जो भी उचित इस पे कार्रवाई करेंगे। सर, एक लास्ट सवाल है कि चीफ और एएचएन को न मिलने पे ऑफिस को काफी लोगों की नाराजगी रहती है, ज्यादातर बैठे नहीं दिखाई देते हैं। अभी कुछ जो फील्ड में कार्य कर रहे थे उसमें इन लोग रेगुलरली जाते रहते हैं, हम लोग टाइम सुनिश्चित कर देंगे ताकि हमारी जनता है। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश चंद दिवाकर। किस वार्ड से पार्षद हैं आप? 22 से। क्या चक्कर है, 10 महीने से आपने बताया कोई काम नहीं हुआ? मेरे यहाँ आत्महत्या की धमकी दे दी। 10 महीने से काम नहीं हुआ है, जनता मेरा मेरे ऊपर चढ़ के आती है, और अभी बारिश आने वाली है इस महीने बाद नहीं माना, आगे बारिश का आगमन है और गली नीची पड़ी है और उनमें पानी भरेगा। यदि मेरी नहीं सुनोगे, जनता मेरे ऊपर आग बबूला होगी या जनता मेरी बेइज्जती करेगी तो उसी पानी में डूब मर जाऊंगा जिसमें भरेगी।